एक एक सवाल और भी गुजरात के संदर्भ में उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने तो आकर के खुद तो बहुत कुछ जीता नहीं तेरह परसेंट आप जरूर ले आए उसके लिए आप अपने आप को शाबाशी भी दे रहे हैं लेकिन आपने बीजेपी का नुकसान उतना नहीं किया है जितना आपने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया और बी टीम का आरोप एक बार फिर से आपके ऊपर चस्पा हो गया देखिए पहली चीज तो कांग्रेस को बर्बाद करने की जरूरत हमें नहीं है कांग्रेस को राहुल गांधी जी पूरी बखूबी से बर्बाद कर देंगे आ, मैंने अभी उनका बयान देखा उन्होंने कल शायद बयान दिया कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव ना लड़ती तो कांग्रेस बीजेपी को चुनावों में हरा देती पिछले सत्ताईस साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है पिछले 27 साल से कांग्रेस सीधी टक्कर देती है गुजरात में बीजेपी को सत्ताईस साल में कितनी बार हरा दिया राहुल गांधी जी की कांग्रेस ने बीजेपी को आज गुजरात के चुनाव में बीजेपी को मेहनत करनी पड़ी प्रधानमंत्री जी जो उनके सबसे कद्दावर नेता हैं उन्हें पचास पचास किलोमीटर के रोड शो निकालने पड़े पचास पचास किलोमीटर सड़क पर चलना पड़ा मतदाताओं के घर जाकर दरवाजे खटखटाकर वोट मांगने पड़े वो इसलिए क्योंकि एक मजबूत चुनौती उन्हें आम आदमी पार्टी की ओर से मिल रही थी नहीं तो गुजरात के चुनाव में तो बीजेपी प्रचार ही नहीं करती है घर बैठे वोट पाता है घर बैठे सरकार बनाते हैं तो पहली बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा मुकाबला बीजेपी को दिया कि उन्हें चुनाव के मैदान में उतरकर पसीना बहाना पड़ा ठीक है तो अब... मैं बस अंत में एक ही एक ही चीज कहूंगा इस विषय में मेरा अपना मानना है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी और सीधी लड़ाई आने वाले समय में चुनावों में भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होने जा रही है